नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। दर्श न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खास बुलेटिन जो है 9 बजे का हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें खबरें होती है पूरे दिन भर की खबरों से आपको रूबरू हम कराते हैं। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर में मलमास मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मेले का आयोजन 18 जुलाई से होने वाला है। सीएम नीतीश आज दोबारा तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इससे पहले वो 2 जून को भी राजगीर पहुंचे थे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आईएएस के पाठक से विवाद पर चुप्पी साध ली है। पत्रकारों ने जब उनसे के पाठक से विवाद पर सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बता दें कि शिक्षा मंत्री आज तीसरे दिन भी अपने दफ्तर नहीं पहुंचे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के करीबी समझे जाने वाले जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो ने आज उन्हें ही बड़ा झटका दे दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि कुशवाहा समाज में सबसे ज्यादा भागीदारी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है और जो नीतीश कुमार को छोड़कर गए हैं अपने स्वार्थ में गए हैं। बिहार में सियासी बयानबाजी के साथ साथ पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताया गया है। पोस्टर में एक वॉशिंग मशीन दिखाई गई है, साथ ही वॉशिंग पाउडर का पैकेट भी दिखाया गया है। पैकेट पर लिखा है मोदी वॉशिंग पाउडर। इस पोस्टर के जरिए आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हिम्मत है तो अपने सहयोगी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बर्खास्त करें। जितनी जल्दी हो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर मुख्यमंत्री की बात ही नहीं सुन रहे हैं और बिहार के स्कूली बच्चों को राम भरोसे छोड़ दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच पीत पत्र से शुरू हुए विवाद में अब महागठबंधन में टकराव की स्थिति बन गई है। जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने आ गए हैं। सीएम नीतीश और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दखल के बाद भी विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है, जिसके चलते महागठबंधन में दरार आ गई है। आज राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश शासन से नियंत्रण खो रहे हैं। जिस तरह से चीजें चल रही हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि हालात मुख्यमंत्री के कंट्रोल में हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कल सुबह 10 बजे अपने आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। खबर झारखंड से है, जहां ईडी ने मिथिलेश कुमार सिंह को समन जारी। उन्हें 10 जुलाई को पूछताछ के लिए ईडी के रांची ऑफिस में बुलाया गया है। ईडी के अफसर उनसे पूछताछ करेंगे। मिथिलेश कुमार सिंह पत्थर कारोबारी भगवान भगत व ट्विंकल भगत समेत अन्य का करीबी बताया जा रहा है। इस पर पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा का केस मैनेज करने का आरोप है। खबर खेल जगत से है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस साल के आखिर में भारत में होने वाले वॉलेव नडे वर्ल्ड कप में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी पर फैसला करने के लिए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति शरीफ को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के सभी पहलुओं, खेल और राजनीति को अलग रखने की सरकार की नीति तथा खिलाड़ियों, अधिकारियों, प्रशंसकों और मीडिया के लिए भारत में स्थिति पर चर्चा करेगी। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मॉनसून संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। अगले 24 घंटे के भीतर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। तो ये थी खबरें दिन भर की जो कि हमने आपको दिखाई। इसी तरीके से हम हर रोज हर बुलेटिन लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि हर एक खबर से आप रूबरू हो सके। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।